मार्केट्स बहुत है इसका। अच्छा। जो चावल है मिनिमम 200 रुपए किलो है। अच्छा। 400 तक इसका जाता है, 400 रुपए किलो तक। तो जब हमारे पास और इसमें जिंक, आयरन, फाइबर कंटेंट बहुत एक्सेलेंट सोर्स है। अच्छा। तो हम जिंक के लिए हम जाते हैं गोली खाने के लिए, तो ये हमारा फूड है जिसमें आयरन, जिंक और बाकी सूक्ष्म पोषक तत्व तो काफी मात्रा में मिलता है। तो क्या पहले तो हम बता दीजिए, ये एक इलेक्ट्रिक ओखली है जिससे कि हम कोई भी चीज़ का छिलका उतारने का, जैसे धान से हम निकालते हैं, अभी मिलेट्स का पूरा चल रहा है और मिलेट्स के बढ़ावा में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि उसका छिलका कैसे उतारें। अब जैसे सावा है, सावा में 7 लेयर होता है, वो ओखली में कूटना बहुत मुश्किल है, हो नहीं सकता है। चीना है और कौनी है, ये सब में छिलका रहता है, उतारना से भी नहीं है। इसका बियरिंग पर है, अंदर में सेंट्रल पर भार है। अच्छा। जो चक्की पहले हमारा जाता होता था उसमें पूरे पत्थर का भार अनाज पर पड़ता था। हाँ। तो उसमें जैसे दाल ये सब जब दरड़ता था लोग, तो उसका टूट बहुत ज्यादा रहता था इसमें। अभी हम मौजूद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में, जहाँ एक वार्षिक जो है प्रदर्शनी लगाया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूषा के द्वारा। क्या कुछ किया गया है, क्या कुछ डेवलप किया गया है, क्या कुछ यंत्र जो है किसानों के लिए निकाला गया है, तमाम तरह के क्या प्रोडक्ट हैं जो बाज़ारों में जा सके, इसको लेकर एक वार्षिक प्रदर्शनी निकाला गया है। ये देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है, ये केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का पूषा का है बना हुआ। ये शायद ओखल है, जो जिसे हम ग्रामीण भाषा में ओखरी कहते हैं, जहाँ ये इलेक्ट्रिक से है, देख सकते हैं। और ये इसको हम दिखाना चाहेंगे, ये देख लीजिए, इसे हम दिखाना चाहेंगे। ये मड़ुआ है जो अब शायद ग्रामीण क्षेत्र में ही मिलता है और काफ़ी ये पुराना हो चुका है। इसकी जो है अब खेती भी बहुत नगण्य, वो कहा जाए तो दियारा क्षेत्र में जो है इसकी खेती देखने को मिल जाती है। मैम है, मैम से बातचीत करेंगे। मैम ये है क्या, पहले तो हम बता दीजिए। ये एक इलेक्ट्रिक ओखली है जिससे कि हम कोई भी चीज़ का छिलका उतारने का, जैसे धान से हम निकालते हैं, अभी मिलेट्स का पूरा चल रहा है और मिलेट्स के बढ़ावा में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि उसका छिलका कैसे उतारें। अब जैसे सावा है, सावा में 7 लेयर होता है, वो ओखली में कूटना बहुत मुश्किल है, हो नहीं सकता है। चीना है और कौनी है, ये सब में छिलका रहता है उतारना। इसमें मार्केट में उतारने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि लोगों तक जा पड़े। हाँ, ये यूनिवर्सिटी ने जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी किया तो विश्वविद्यालय द्वारा पेटेंट हो गया और इसको कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इसकी टेक्नोलॉजी इसमें क्या डाले हुए हैं। ये सामा है। इसको सामा, ये अब ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है क्या? हाँ, अब धीरे धीरे, क्योंकि जब लोगों को अवेयर कराया गया कि इसको हम कूट कर चावल निकाल सकते हैं, तब इसमें, क्योंकि इसमें 7 लेयर का छिलका रहता है। अच्छा, इसमें 7 लेयर होता है। 7 लेयर रहता है और ये बहुत मुश्किल होता है कि इसको हम कैसे निकालें। अब इसको है कि इसको जब हम लोगों को बताया कि इसमें कूट कर चावल निकाल के बताया, तो अब लोगों में धीरे धीरे इसके लिए बढ़ रहा है। और अच्छा, मैम ये दियारा क्षेत्र में मिलता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में अभी मिलता नहीं, जो गंगा नदी के किनारे गंगा नदी के किनारे भी कौनी, चीना, सामा का ये प्रसिद्ध एरिया था, लेकिन वहाँ भी अब लोग कम कर दिया, वहाँ उतना ही उपजाने लगा जितना कि रिचुअल्स में जरूरत होती है। उसकी मार्केटिंग है या नहीं है इसके? मार्केट्स बहुत है इसका। अच्छा। जो चावल है मिनिमम 200 रुपए किलो है। अच्छा। 400 तक इसका जाता है, 400 रुपए किलो तक। तो जब हमारे पास और इसमें जिंक, आयरन, फाइबर कंटेंट बहुत एक्सेलेंट सोर्स है। अच्छा। तो हम जिंक के लिए हम जाते हैं गोली खाने के लिए, तो ये हमारा फूड है जिसमें आयरन, जिंक और बाकी सूक्ष्म पोषक तत्व काफी मात्रा में मिलता है। तो मैम बता रही है कि जो इसमें देखिए पोषक तत्व के है, और पोषक तत्वों के लिए मौजूदा दौर में हम लोग जो हैं अब दवा पे निर्भर हो गए हैं, लेकिन इसमें भरपूर मात्रा में ये इसमें पाया जाता है, पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसमें। और ये मैम क्या है, ये देखिए ये पहले हम लोग जो हाथ से जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है महिलाएं जो है हाथ से इसे चलाता था, इसे जाता बोला जाता था। तो अब जो है ये इसका पूरा जो है एक इलेक्ट्रिक है या हाथ से ही है? ये हाथ से ही है। अच्छा, इसको मोटर से दे दिया गया है? हाँ, मोटर से भी नहीं है, इसका बियरिंग पर है, अंदर में सेंट्रल पर भार है। अच्छा। जो चक्की पहले हमारा जाता होता था उसमें पूरे पत्थर का भार अनाज पर पड़ता था। हाँ। तो उसमें जैसे दाल ये सब जब दरड़ता था लोग, तो उसका टूट बहुत ज्यादा रहता था। इसमें सेंट्रल एक्सिस पर इसका भार है और इसका एडजस्ट होता है, जैसे
चना का जो दाल है तो इसके अनुसार एडजस्ट करते हैं, मतलब इसके फोर्स को जो है विस्तारित कर दिया। हाँ, और इसमें बीच में डिस्टेंस एडजस्ट होता है, जैसे सूजी बनाना है तो इसको कम कर देंगे, सूजी भी निकल। हाँ, सूजी दलिया बनाना रहेगा थोड़ा बढ़ाएंगे। चना का साग, मूंग दाल छोटा होता है, मूंग का दाना, तो उसको दोनों पत्थर के बीच में एडजस्ट में अभी उतारा गया। हाँ, इसको भी दे दिया गया, वो अब बेच रहा है। और हाँ, दोनों मशीनें सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रोग्राम में शामिल हो गई है, बिहार सरकार के द्वारा, कृषि विभाग का। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो पहले जो महिलाएं जो है उखल से जो है धान कूटती थी या तमाम जैसे प्रोडक्ट होता था उसे निकाला जाता था, छिलका निकाला जाता था, ठीक उसी तरह जो है अब हम दूसरे स्टॉल पे पहुंचते हैं और दूसरे स्टॉल की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये मैम ऑफिस से जुड़ा हुआ है क्या? ये सब क्या क्या बना है? ये बालाहार, अच्छा बालाहार है जो महिलाएं बनाती है छोटे। उसमें दिया गया है, इसको हम लोगों ने ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण। हाँ। तो जीविका ग्रुप को हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया, प्रोड्यूसर ग्रुप को। अच्छा। अब ये ठाड़ा गोपालपुर में ये बालाहार बना स्टूडियो। हाँ, और ये सारस मेला में भी अभी लगा हुआ और इतना ज्यादा कि अब वो अपना कैपेसिटी बढ़ाने जा रही है कि और अभी सरस मेला में 1 किलो का पैक भी निकाला है इसको। अच्छा, अच्छा, ये 50 ग्राम का है। अच्छा हो रहा है इसका, बहुत बढ़िया। अब वो कैपेसिटी, ये बालाहार है और महिलाओं के द्वारा जो जीविका दीदियों के द्वारा इसे बनाया जाता है। हम ये मैंने इस पर अच्छे से एक स्टोरी भी की है। तो ये 12 रुपये में, क्योंकि जो हम लोग ओट्स देते हैं बच्चों को, तमाम तरह के पोषण युक्त मार्केट में देते हैं, एज ए इसे कहा जाए तो सरलेक्स हम लोग बच्चे को देते हैं, वो उसी आधार पे जो है महिलाओं ने जो है जीविका दीदियों ने इसे बनाया और बहुत ही कम कीमत पे जो है मिल जाता और बहुत ही पौष्टिक होता है। इसे बड़ा साफ सुथरा से जो है बनाया जाता है। और भी चीज़ें हैं, ये क्या कौनी क्या है? ये कौनी फॉक्सटेल मिलेट है। अच्छा। और इसका चावल निकालना, जैसे छिलका रहता है तो ये ओखली से ही चावल निकाला गया है। ये है आपको प्रोसो मिलेट, चीना। अच्छा, चीना गंगा के किनारे, चीना। अच्छा, ये सब हम जानते भी नहीं। हाँ, चीना का चावल। अब चावल निकलेगा, कितना भी कहेंगे मिलेट खाओ, चावल निकलेगा तब तो खाएगा, छिलका तो खाएगा नहीं। हाँ। और इसके लिए यही एक समस्या थी जिसका समाधान करने के लिए हम लोगों ने ओखली तैयार किया। अच्छा। कि लोग अपने निकाल लेंगे। इसमें जैसे सावा में 7 लेयर होता है, इसमें 1 ही लेयर है। अच्छा। इसको बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, बोला जाता है चीना, चीना का चावल हो गया ये। चीना का चावल आप देख सकते हैं, इसे जो है बच्चों को दिया जाता है, छोटे कोई भी, सबको, सब आदमी के लिए। जो हम लोग कहते हैं मिलेट्स खाओ शुगर पेशेंट के लिए, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कम हो जाएगा, तो उसमें खरीद के लगता है, ऑनलाइन लेते हैं। हाँ, ऑनलाइन लेते हैं केमिकल, तो ऑनलाइन में मिलेट्स में बहुत ज़्यादा केमिकल का, इसलिए नहीं कि मिलेट्स को कोई दवा दारू कोई देता नहीं है, तो उसमें नहीं है लगा, और उसको भगवान ने उस पर छिलका चढ़ा दिया है, तो इसमें काफ़ी पौष्टिक होता है। लेकिन मिले तो सही, बहुत महंगा मिलता है। और ये सब क्या है? और ये हम लोगों ने इसका पेटेंट हुआ, हाई एनर्जी फूड है। अच्छा, तो इसमें क्या है कि ये कोई भी खा सकता है, लेकिन अधिकतर ये सॉल्यूशन हुआ कि हमारे यहाँ जो अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, और उसके कारण देखेंगे कि नेशनल लेवल पर नाटापन के कारण ग्लोबल हंगर इंडेक्स मेरा बहुत हाई जा रहा है, हाई है। तो हम उसको हमको जीरो, हाँ जीरो हमको करना है उसको, तो उसको जब तक एनर्जी रिच नहीं देंगे तब तक उसका नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने इसको तैयार किया और इसको पेस्ट को पानी में भी, इसको आप देख सकते हैं, इसको गर्म पानी में घोल के भी दे सकता है, और कभी रहे कि बच्चे कहीं जा रहे हैं छोटा टुकड़ा दे करके कहते हैं मुंह में रखो गुलगुलाते रहो। अच्छा, इसका मार्केट, मार्केट में अगर ये जा रहा है तो इसका तो मूल्य बहुत कम होगा अन्य प्रोडक्ट से, क्योंकि जो ब्रांडेड करके जो मार्केट में लाते ये हैं, ये प्रोडक्ट मिलता ही नहीं, मिलता ही नहीं, फर्स्ट टाइम बना। अच्छा, इसको आप पहली बार एनर्जी डेंस? हाँ, पहली बार। तो बालाहार का सपोर्टिंग तो बालाहार काम जा रहा है, लेकिन इसका नहीं है ये। अच्छा, हमारे यहाँ है ही नहीं। कभी कभी देश में कुछ विदेश से बात भी हुई थी, तो हम लोगों ने कहा हम अपने देश में अपना फूड तैयार करेंगे, हाई एनर्जी फूड, हम दूसरे देश पर हमको इम्पोर्ट करने की जरूरत, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। अभी तो अधिकांश चीजें हैं हमारे यहाँ, लेकिन उसका ब्रांडिंग इतना क्या आता है। हाँ, काफी रेट भी हो जाता है। और इसको हम लोग करते हैं कि कम में, मान लीजिए कि 300-350 रुपए को किलो अगर प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो कितना भी 3 महीना अगर लगातार खिलागत अति गंभीर कुपोषित बच्चे का लेवल बढ़ जाएगा, या तो नॉर्मल हो जाएगा या मध्यम तक तो जरूर पहुंच जाता है। कुपोषित बच्चे को हाँ, कहीं कंट्रोल हो सकता है। और इसको 3 मंथ्स में, ज्यादा लंबे समय तक का नहीं खिलाते हैं, 3 मंथ्स के लिए खिलाते हैं। तो ये पूरा जो है हम बताए जो मैम का बताना है कि बालाहार है और तमाम तरह के जो पोषण युक्त जो भोजन है बच्चों के लिए हो, सियाने के लिए हो, ये जो है। और ऐसे कई ऐसे प्रोडक्ट को भी हमने जाना जिसे, जिसका नाम मैं खुद भी नहीं जान
जान रहा हूँ, चीना का नाम नहीं जान रहा था। तो तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसे बाज़ार में जो ब्रांडिंग करके जो है बेचा जाता है और इसकी दाम जो है काफ़ी अधिक होता है, जिससे जो है जो गरीब लोग होते हैं जो तमाम तरह के कुपोषित, क्योंकि बात की जाए तो हमारा देश हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से भी नीचे है। तो कहीं ना कहीं इसको जो है अगर कुपोषित बच्चों के लिए अगर उपयोग किया जाए तो काफ़ी लाभदायक होगा। खैर, ब्रांडिंग चीज़ों पे हम लोग जाते ही हैं और हम अधिकांशतः ब्रांडिंग चीज़ का उपयोग ही करते हैं।